नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। आज पूरे देश दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। मजदूर दिवस को मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन दुनिया के तमाम देशों में छुट्टी मनाई जाती है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जम्मू कश्मीर में श्रीनगर प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी नागरिक के लिए आज से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार लगातार जुटी हुई है। जहां इस कड़ी में आज गुजरात से यूपी के श्रमिकों को उनके घर वापस लाया जाएगा। इसके साथ ही सभी राज्यों के लिए एक फोन नंबर जारी किया गया है, उस पे अगर आप यूपी आना चाहते हैं तो अपना नाम पता लिखवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर और बाहर फंसे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भी काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत आज राज्य के 50,000 मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाएगा। बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी आज सभी नेताओं के साथ मजदूर दिवस के मौके पर राज्य के प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर एक दिन का उपवास रखेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि ये फैसला हाईकमान के सहमति के बाद हुआ है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की मराठी फिल्म एवी आनी सीडी आज अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है। कोरोना के मद्देनजर लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक की है, जिसमें भारत में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर निवेश को प्रोत्साहन देने की रणनीति पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट से एमएसएमई सेक्टर को झटका लगा है, क्योंकि वेज पेमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस सेक्टर के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेश में दखल नहीं देंगे। गौरतलब है कि 29 मार्च को गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि लॉकडाउन के बीच वर्कर को फुल पेमेंट दिया जाए, जबकि केंद्र सरकार खुद अपने कर्मचारियों के 25% वेतन काट रही है। तमिलनाडु के मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वे राज्य में लॉकडाउन से संबंधित आगे की योजना के बारे में जल्द बताएं। मणिपुर के एक डॉक्टर थामजांग धम्बाली सिंह को भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंध को बढ़ाने के लिए जापान की सरकार ने अवार्ड ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। भारत में कोरोना की पहली मरीज केरल की उषा राम मनोहर अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अब वो वुहान के अपने विश्वविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में भाग ले रही है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को वुहान विश्वविद्यालय से लौटी मेडिकल की छात्रा उषा को कोरोना होने की पुष्टि हुई थी। प्रवासी मजदूरों को बसों द्वारा उनके घर भेजने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस बीच इंडियन रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहले इस बात का इंतजार किया जाएगा कि कितने लोग बसों से अपने घर के लिए रवाना होते हैं, जिसके बाद रेलवे पर लोड कम होने के बाद स्पेशल ट्रेनों को चलाने पर भी विचार किया जा सकता है। कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम रंग ला रही है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 25.19% हो गई है, जहां 14 दिन पहले यह 13.6% थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश जारी किया है कि राज्य में कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए सरकार की अनुमति का आवश्यकता नहीं है। इसको लेकर बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने ट्वीट कर कहा कि अगर ममता सरकार ये इजाजत पहले दे देती तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों को उनके घर बसों से भेजने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि फंसे हुए मजदूरों को बसों से उनके राज्य में भेजना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए हमने केंद्र से स्पेशल नॉन स्टॉप ट्रेन चलाने की मांग की है। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देव ने कहा है कि राज्य सरकार लॉकडाउन को निकट भविष्य में खत्म करने पर विचार नहीं कर रही है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से कुछ पाबंदियों में ढील दिए जाने के विकल्पों पर गौर करेगी। जम्मू कश्मीर के युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के मकसद से जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश में 2 CIIT केंद्र बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
देश के विभिन्न जगहों पर लॉकडाउन के कारण फंसे राज्यों के मजदूरों और छात्रों को बस से लाने के मुद्दे पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बसों से छात्रों और प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाना व्यवहारिक नहीं लगता है, क्योंकि इसमें अधिक समय लगेगा और परेशानी भी ज्यादा होगी। इसलिए केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था करे ताकि नॉन स्टॉप एक जगह से दूसरे जगह ट्रेन से उन लोगों को पहुँचाया जा सके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फेरबदल करते हुए पार्टी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को हटा दिया है और उनके जगह मुकुल वासनी को इस पद पर बिठाया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार राजस्थान के कोटा से दिल्ली के छात्रों को जल्द घर वापस लाने के लिए व्यवस्था कर रही है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रमन मित्तल बता रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने राज्य सरकार से मांग की है कि पंजाब में जरूरतमंद लोगों को राशन बांट रहे डिपो धारकों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर मुहैया कराए जाए। पटना से हमारे संवाददाता अंबुज कुमार बता रहे हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि देश के कई राज्यों में फंसे बिहार के लोगों को बसों से लाना संभव नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह बिहार के लोगों के घर वापसी के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था करे। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता बीडी अनुरागी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री ने सरकार से मांग की है कि 16,000 छोटे उद्योगों के चालू करने की इजाजत दी जाए। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा बता रहे हैं कि राज्य सरकार की अनुमति के बाद करीब 5 घंटों के लिए पुस्तकें एवं स्टेशनरी की दुकानें खोली गई, जिससे कि प्रोन्नति पाकर अगली कक्षा में गए छात्रों ने पुस्तक खरीदे। हिमाचल प्रदेश के सोलन से हमारे संवाददाता महेंद्र वर्मा बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाहरी राज्यों से वापस आने वाले लोगों से होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार और समाज के लिए भी आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश के सोलन से हमारे संवाददाता महेंद्र वर्मा बता रहे हैं कि कोरोना के मद्देनजर हेल्प एज इंडिया कार्यकर्ताओं और डॉक्टर आम लोगों के घर घर जाकर 532 वृद्धजनों की स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं तथा जरूरतमंद लोगों को राशन किट भी उपलब्ध करा रहे हैं। यूपी के रामपुर से हमारे संवाददाता यासीन खान बता रहे हैं कि कैमरी क्षेत्र के पृथ्वीपुर गांव में लॉकडाउन का उल्लंघन कर ग्राम प्रधान ने प्रशासन को बिना सूचना दिए ही प्रेमी जोड़े का निकाह करा दिया, जबकि कहा जा रहा है कि ये लोग अभी शादी के लायक नहीं हैं और नाबालिग हैं। ग्राम प्रधान के मुताबिक उनके गाँव के ही दोनों प्रेमिका और प्रेमी है। दूल्हे के पिता ने उसे मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों प्रेमिका प्रेमी उनके घर पर आकर बैठ गई, इसलिए उन्होंने ये करा दी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता एसपी सुखवाल बता रहे हैं कि जिला कलेक्टर ने बाहरी लोगों को आने से रोकने के लिए गांव में आने के सारे रास्ते को जेसीबी मशीन से खड्डे करवा दिए हैं, जिससे कि कोई भी गांव में ना आ सके। यूपी के महुआ से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी और एसपी मनीलाल पाटीदार ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया तथा लॉकडाउन का जायजा लिया और सभी को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। यूपी के महुआ से हमारे संवाददाता भूपेंद्र मिश्रा बता रहे हैं कि पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर अपर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार ने माला और शॉल पहनाकर सम्मानित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो ये थी सुबह की ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।